नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हैं? और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चंदन सरता। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले इंदौर का मतलब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राला मंडल। समुद्र से लगभग 700 प्लस ऊंचाई पर है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो राला मंडल का टिकट का जो प्राइस है, जो अडल्ट है उनका जो टिकट प्राइस है प्रति व्यक्ति 20 रुपये, ठीक है। और व्हीकल्स, जैसे आप व्हीकल्स लाते हो ना, तो व्हीकल्स का जो प्राइस है वो प्राइस है 5 रुपया बाइक की। तो दोस्तों, मतलब यहाँ पे अपने पास जो फैसिलिटी मिलती है ऊपर जाने के लिए, काफ़ी चढ़ावे है लगभग, पैदल जाने में तो काफ़ी, मतलब सुने थे कि बहुत हाइट में है, तो हम लोगों ने ट्राई किए थे कि पैदल देखे काफ़ी डिस्टेंस पे। तो हम लोगों ने कोशिश करें कि चलो, माइंड में सेट था कि पैदल ही चलते। सारे लोग इतने थक गए हैं दोस्तों, समर्थ बाबू भी थक गया है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोग को लगभग 2 से 2.5 घंटा लग गया था चढ़ने में। फाइनली हम लोग आधा डिस्टेंस मेंटेन कर चुके और समर्थ थक गया तो कंधे पर लिए उसको। हाँ, इस अच्छा है, लेकिन हाँ लोकेशन बहुत प्यारा है, आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो। अभी थोड़ा सा अभी गर्मी का मतलब नॉर्मल गर्मी है, लेकिन सबसे जो प्यारा मस्त इसका व्यू आता है ना, आप लोग बरसात में आओगे ना बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली लगभग हम लोग का और मेस्ट में जो डिस्टेंस बचा हुआ था लगभग आधे घंटे का भी और चढ़ना था हम लोग को। यहाँ से देखो विजुअल इंदौर का दिख रहा था, काफ़ी अच्छा हो रहा था और सूर्य भी अस्त हो रहा था। तो वहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने के लिए देखो मैं ये मेकअप सब करने लगी। तो फाइनल दोस्तों हम लोग आप लोग को दिखाने वाले हैं, मतलब वहाँ पे डिस्टेंस आप लोग देखोगे। अगर ऊपर आप लोग पैदल जा रहे हो तो पानी ले लेना, बोतल ले लेना पानी का, क्योंकि रास्ते में नहीं मिलता है। तो फाइनली वहाँ से हम लोग चढ़ गए, वहाँ पे कुछ फ़ोटो लिए क्योंकि अंदर जाने को तो मौका नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट वीडियो मतलब जब भी हम जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर, और टाइम तो हम पहले जाएंगे। इस बार जो जाएंगे ना गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि काफ़ी थकावट हो जाती है ऐसे जाने में। तो हम लोग वहाँ से घूम करके आ रहे हैं दोस्तों। आने में कम जाने में कम से, अगर आप लोग पैदल जाओगे ना तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी है काफ़ी, हाइट भी, थकान बहुत हो जाती है। तो इस बार आप भी लोग भी आए तो आप लोग मतलब इतना ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा लगेगा जब आप एक अपन गाड़ी बुक करेंगे तो 500 ज़्यादा ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए ये गाड़ी है पूरी, मतलब फैमिली के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो सूर्यास्त होने हम लोग भी जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि अंधेरा होता और आखिरी हम ही लोग बच गए थे, सारे लोग निकल गए थे और जो भी ऊपर थे ना वो सब मतलब गाड़ी वाले ही थे। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ पे मोर है। मोर तो मतलब फोटो खिंचाने के लिए फिर समर्थ बोला कि नहीं तुम लोग आगे मत बैठो, हम ड्राइव करेंगे। तीन लोगों को बैठने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे आप लोग छोटे जैसे बच्चे आते हैं ना, तो यहाँ पे खेलने के लिए है। तो हमारा ये समर्थ बोल रहा था कि हम सीढ़ी जिससे बनी हुई ना चढ़ने, हाँ इस साइड से जा करके। तो समर्थ की मम्मी भी ट्राई कर रही थी लेकिन चढ़ गई, सोची कि अंदर उतरेंगे तो फिर फंस जाएंगे, बस उतना सही। फिर समर्थ के लिए एक था खेलने के लिए वहाँ पे गाड़ी जैसा है था चलाने, प्यारा जो रहता है अच्छा लगता है ना, वो जो फिसलने वाली होती है ना, देखिए इतना बड़ा हाइट है फिर भी उसको उस पर चढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे रहता है उसको बहुत। हम जहाँ पे दवा कराते हैं हॉस्पिटल में वहाँ जाता है ना, तो दवा नहीं लेगा लेकिन वहाँ पे जाएगा जरूर, और जहाँ जाते ही फिसलना चालू फिसल। देखिए यहाँ पे दोस्तों झूला झूला भी है एकदम देसी स्टाइल में, झूला लगा हुआ है, फिसलने वाला यहाँ भी है, लेकिन ये जिराफ में बना हुआ है पूरा शेप में। थोड़ा सा ये यूनिक है, थोड़ा सा ये छोटा है, ये ठीक है,
बच्चे के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी समर्थ को चाहिए था खेलने के लिए, क्योंकि जो इसमें भी फिसलना है उसमें, देखा जो जो देखेगा लग रहे समझ गई। और यहाँ भी ये अच्छा राउंडर गेम है, इधर इस साइड से निकलो, मतलब बच्चे के लिए है कि आप अगर बच्चे भी आते हैं ना तो खेल लेंगे आधे घंटे, तो उनको अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।